हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अच्छा, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये है मेरी अपाची RTR 164V। ये ली थी मैंने पिछले साल जुलाई में। BS6 मॉडल है। तो कल इसमें क्या हुआ, जब मैं सुबह ड्यूटी के लिए जा रहा था तो मैंने सुबह 6:30 बजे बाइक स्टार्ट की, तो यहाँ क्या देखता हूँ, मेरे को पेट्रोल की स्मेल आई। ये यहाँ इंजन के इधर इधर कॉल के यहाँ पेट्रोल ही पेट्रोल गिरा हुआ था। फिर मैंने यहाँ नीचे अंदर ध्यान दिया तो अंदर से पेट्रोल गिर रहा था। मैं वीडियो डाल दूँगा। तो उस टाइम समझ में नहीं आया कि पेट्रोल गिर कहाँ से रहा है। वो तो मैं ड्यूटी के लेट हो रहा था, पेट्रोल गिरना कम हो गया था तो मैं चला गया। फिर मैंने आके ये वाला पैनल खोल के देखा ड्यूटी से जब वापस आया, तो उस समय नहीं गिर रहा था। फिर मैंने बाइक खड़ी कर दी। अब आज सुबह अगला दिन है, अब फिर देखते हैं इसको। ज़रा पैनल पहले ही खोल लूँगा मैं, फिर स्टार्ट करके देखेंगे। मैंने स्टार्ट नहीं किया, इसको खोलने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, पेट्रोल गिरता है नहीं गिरता है। ये तो बहुत बड़ा इशू है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है और पेट्रोल ऐसे निकलना तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो पैनल खोलते हैं, फिर स्टार्ट करके देखते हैं आज गिरता है या नहीं गिरता है पेट्रोल। ये यहाँ कहीं से इधर इधर पेट्रोल गिर रहा था उस टाइम, तो अभी देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं बाइक को। ठीक है, पहले तो ज़रा सिर्फ एक चाबी ऑन करता हूँ। अभी तो कहीं से नहीं गिरा, स्टार्ट करके देखता हूँ एक बार अभी।
देखो तो पास से तो नहीं है। देखो ये लाइन गीली हुई है, इस लाइन में दिक्कत है, पूरी रात खड़ी रही है बाइक, उसके बाद इधर से पेट्रोल निकलता है। मेरा कल वाला ही करता हूँ, मैंने स्टार्ट करके बाइक स्टैंड से उतारी थी और थोड़ी पीछे की थी, पर कल वाला ही सेम प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। अभी तो नहीं गिर रहा है, पेपर बहुत सारा था पेट्रोल, जरा इस लाइन पे फोकस करना। ये लाइन आ रही है फ्यूल पंप से, तो मैं इसको ऐसे हिलाता हूँ, देखो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा, मुझे लग रहा है इसी में दिक्कत है, ये फिटिंग विटिंग की कुछ दिक्कत है इसकी। ये लाइन लूज थी, देखो पेट्रोल निकला अभी, मैंने इसको हिलाया तो हम पक्का इसी लाइन से निकला होगा, ये मुड़ी होगी यार, ये तो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। थोड़ा आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा पाइप। चलो ये तो पता लग गया कि इस लाइन से लीकेज है, ज़्यादा वैसी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, मुझे लगा पता नहीं कहाँ से होने लग गया, ये आपका पंप है यहाँ से तो ठीक दिख रहा है। चलिए ठीक है, बंद करते हैं इसको। एटलीस्ट पता तो चल गया मुझे कि लीकेज कहाँ से है, वरना कल पता ही नहीं लग रहा था, इतना सारा पेट्रोल इधर गिरा हुआ था यहाँ तक, मैं लगा रही तो गड़बड़ काम है। लेकिन अब ये लाइन का ही इशू है, ये जो पंप से होती हुई ये क्या बोलेंगे, कार्बोरेटर है क्या है, कार्बोरेटर वाली जगह पे इसमें से निकलता है। एक बार चेक करवा लेंगे इसकी, कुछ दिन बाद ड्यू भी है इसकी सर्विस, वहाँ एक बार और दिखा लेंगे कुछ इलाज, इलाज तो क्या निकलेगा अभी तो, लेकिन हाथ लगाने से निकलता है, वैसे नहीं निकला तो ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू। बाकी एवरेज के तो भाई एवरेज तो मेरी 49-50 ही ले रही है। चलिए बाय बाय, नमस्कार, भारत।